कि 4 से 5 बच्चे होती हैं उनकी, वो बच्ची के 2500 रुपये मिलता है और बच्चे का मेरे ख्याल आई थिंक 2000 रुपये मिलता है। लेकिन नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है ना वो 2024 में अब वो ना वो इंक्रीज कर रही है, मैं बच्ची के वो 3500 कर रहे हैं और बच्चे के जो है वो 3000 कर रहे हैं, और पैदाइश से 1.5 साल बाद भी वो उन्हें खुराक प्रोवाइड करती है, साथ उनको वजीफे भी देती है 2500 रुपया, वो 2000 और 2500 रुपया वजीफा भी साथ उनको देती है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, मैं हूँ वकास, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं। अमूमन हम रोते रहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही होती है जिसका हमें पता ही नहीं होता। आज मैं ताहिर साहब के पास मौजूद हूँ, ये मुझे बता रहे थे कि गवर्नमेंट बहुत सारी मद में आवाम को रिलीफ दे रही होती है, पैसे दे रही होती है और भी बहुत सारी चीजें आवाम के लिए कर रही होती है, लेकिन जिसका बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता और हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। बिल्कुल मुफ्त बगैर कुछ किए पैसे बांटती है गवर्नमेंट, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्या बेदार भाई आपको बताएंगे, मुझे बता रहे थे बैक कैमरा कि फलां फलां चीजें हैं जो गवर्नमेंट बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करती है स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को, नए पैदा होने वाले बच्चों को, प्रेगनेंट औरतों को। तो ताहिर साहब से हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सहूलियात हैं जो गवर्नमेंट घर बैठे मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए प्रोवाइड करती है और आप उनसे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। ताहिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुन? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि गवर्नमेंट फलां फलां मद में बहुत सारी फैसिलिटीज आवाम के लिए प्रोवाइड करती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता, इस वजह से हम रह जाते हैं, और कुछ लोगों को पता भी होता है लेकिन वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं। आप किस किस मद में यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं? देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बहुत से हमारे जो है ना दोस्त, जो हमारी माएँ बहनें जो घर बैठी हैं वो डिज़र्व करती हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे होते। बहुत सी हमारी माएँ बहनें जो घर बैठी जिनके खावन फौत हो चुके हैं जी, बेवा बैठी हुई हैं, गवर्नमेंट उनकी ने इमदाद कर रही होती है। अच्छा, एहसास कफालत के नाम से ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अब इसका नाम चेंज करके BASP रख दिया। बहुत सी औरतें पूछती हैं कि हमें ये पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सर्वे कैसे करवाएं। ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हर तहसील में गवर्नमेंट ने एक ऑफिस बनाया हुआ है BASP के नाम से, गवर्नमेंट इनकम बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से एक ऑफिस बना हुआ है। जस्ट सिंपल क्या करना है आपने, वहां पर जाकर अपना आई डी कार्ड देना है, असल आई डी कार्ड दें, अपना बिजली का बिल दें, बच्चों का बी फॉर्म बनाए, वहां पे जाकर आप सबमिट करें, वो आपका एक फॉर्म कंप्यूटर एक फॉर्म फिल करते हैं, फिल करने के बाद आपका बायोमेट्रिक करते हैं और बायोमेट्रिक के बाद आप घर चले जाएं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जो आपका रिकॉर्ड होगा नादरा के हिसाब से, जो आपने रजिस्टर करवाया होगा वो सारा रिकॉर्ड आपका चेक करके, आपके खामिन का आपका रिकॉर्ड चेक करके गवर्नमेंट आपकी अहलियत तयन करती है कि आप अहल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आप अहल हुए तो गवर्नमेंट आपके पैसे जो आपकी इमदाद है ना वो लगा देती है, अगर आप अहल नहीं होते तो गवर्नमेंट आपकी इमदाद नहीं लगाती। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, आपने कहा कि सर्वे इस तरह से होते हैं, हमने देखा है बाज़ औक़ात घरों में आके लोग सर्वे कर रहे होते हैं, तो क्या वो फेक सर्वे होता है, वो वाकई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आते हैं या ऐसे ही चल फिर के आ जाते हैं किसी और मकसद के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बाज़ औक़ात मैं आपके इसमें थोड़ा सा और ऐड करता जाता हूँ। बाज़ लोग जो होते हैं ना वो अपनी इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं, गाँव में जाकर सीमें सील सेल करते हैं, औरतें इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं है, वो उनके कहती हैं कि हम ना वो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे करने के लिए आपके पैसे लग जाएंगे, आपके पैसे चेक कर लेते हैं, ये ऐसी चीजें वो करती हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज करते हैं, ये फ्रॉड एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात मैसेज मोबाइल पे आता है कि आपके इतने पैसे निकल गए, आप जाके जो वो हमसे इस नंबर पर रब्ता करिए, ये भी फ्रॉड है। कभी भी गवर्नमेंट की कोई टीम अब घर घर जाकर सर्वे नहीं करती, तहसील लेवल पे ऑफिस बन चुके हैं, वहां पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, वहां पे ही आपको आपका कार्ड चेक किया जाएगा, कोई बंदा आपके गांव में या आपके घर आए आपका कार्ड चेक नहीं कर सकता, घर बैठे आपको पैसे नहीं दे सकता, आपके पैसे लगवा नहीं सकता, आपको ऑफिस आना पड़ता है, वहां पर आकर आपको प्रॉपर अपना रिकॉर्ड देना पड़ता है, बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, फिर ही आपके पैसे लगते हैं। ये लोग जो है वो दो नंबरी नौसरबाज जिसे कहते हैं, ये जाते हैं सादा औरतों को उनसे पैसे ले लेते हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है।
जिस तरह ये सर्विस सेंटर आप चला रहे हैं, क्या यहाँ पे भी आके एंट्री करवाई जा सकती है या उनके ऑफिस ही जाना पड़ेगा? नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिस ही जाना पड़ेगा। हमारे पास से ये फैसिलिटी होती है, हम औरतों को एंटरटेन करते हैं, जिनके पैसे आते हैं वो उनको पैसे बायोमेट्रिक निकाल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी है और बहुत सारे औरतें रजिस्टर्ड भी हैं। आपने मुझे दो तीन सर्विसेज और बताई, एक बच्चों का कोई वजीफा लगता है, एक कोई नशोनुमा प्रोग्राम है, इनके बारे में भी थोड़ा गाइड। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, इसमें ये है कि दो तीन जो गवर्नमेंट ने इनके पार्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें जो औरतें बेनिफिट के पैसे लेती हैं, उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, तो वो उनके फॉर्म बेनिफिट के ऑफिस जाए, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है। ठीक है, वो फॉर्म आप उस स्कूल में लेके जाए, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वहाँ से आप उसके जो टीचर है वहाँ से आप उसको स्टैंप करवाएं, साइन करवाएं और बेनिफिट के ऑफिस जाकर सबमिट करवा दें। तो वो भी गवर्नमेंट आपके वजीफे, आपके पैसे के साथ जो गवर्नमेंट इमदाद देती है, वो इन बच्चों को भी साथ ऐड हो जाती है। जिनके चार से पाँच बच्चे होते हैं, उनके वो बच्चे के 2500 रुपये मिलता है और बच्चे का मेरे ख्याल आई थिंक 2000 रुपये मिलता है। लेकिन नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है ना, वो 2024 में अब वो ना वो इंक्रीज कर रही है, मैं बच्चे के वो 3500 कर रहे हैं और बच्चे के जो है वो 3000 कर रहे हैं। ये पैसे मिलते हैं, ये मिलते हैं, ये जो उनके क्वार्टरली पैसे आते हैं उनके साथ ऐड होके वो उनको मिलते हैं। सेकेंडली वो होता है एहसास नशोनुमा के नाम से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कौन से क्लास तक के बच्चों का? ये इंटरमीडिएट तक। इंटरमीडिएट तक। ठीक है, नर्सरी से इंटरमीडिएट नर्सरी से इंटरमीडिएट तक वो मिलते हैं, मैट्रिक से आगे सेम नहीं, मैट्रिक से आगे 4045 रुपए मिलता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कौन सा बता रहे थे आप प्रोग्राम? दूसरा एहसास नशोनुमा के नाम से गवर्नमेंट ने जो जो तहसील लेवल पे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहां पे एक काउंटर लगाया हुआ है, जो हमारी माएँ बहनें प्रेगनेंट हैं वो वहाँ पर जाए अपना चेकअप करवाएं, वहाँ पर उनको मेडिसिन भी दी जाती है, आयरन की टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, दूध दिए जाते हैं जो बहुत ही हेल्दी दूध होते हैं, वो हमारी वो पहुँच से भी दूर होते हैं, इतने महंगे होते हैं लेकिन गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही होती है ये सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में। और वो जो जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती तब तक वो देते रहते हैं, और पैदाइश से 1.5 साल बाद भी वो उन्हें खुराक प्रोवाइड करती है, साथ उनको वजीफे भी देती है 2500 रुपया, वो 2000 और 2500 रुपया वजीफा भी साथ उनको देती हैं, एट द स्पॉट ही आपको मिल जाती है। वो सिविल जाएं वहीं से पैसे लेके घर आ जाएं? नहीं, सिविल जाएं वहां पे जाकर अपना वो चेकअप करवाएं, वो प्रॉपर चेकअप करते हैं, चेकअप करने के बाद वो आपका आईडी कार्ड पे वो पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो दुकानदार जो पैसे दे रहा होता है वहां पर जाकर बायोमेट्रिकली अपने पैसे वो विथड्रॉ करवा सकते हैं। उसकी एंट्री कैसे करवाई जाती है? सिंपल है, वही काउंटर पे वो खुद ही कर लेते हैं, सिविल में ही, सिविल में ही वो आपको, इसीलिए वहां पर उन्होंने काउंटर लगाया गया ताकि बार बार इनके बेनज़ीर ऑफिस ना जाना पड़े, वहीं पे चेकअप हो और वहीं से अपना वो कार्ड एंट्री कर देते हैं, वो वापस आकर अपने पैसे ले सकती हैं शॉप से। इसमें आजकल फ्रॉड एक्टिविटीज बहुत सारी हो रही है, औरतों के पैसे मर रहे हैं, लोग खा जाते हैं, क्या क्या ऐसी फ्रॉड एक्टिविटीज हैं जिनका आवाम को पता होना चाहिए और उनसे कैसे बचा जा सकता है? फ्रॉड एक्टिविटीज यही होती है कि लोग औरतों को झांसा देते हैं कि आए हम आपको पैसे निकलवा के देते हैं, वो औरतों को ले जाते हैं, वो शॉप से पैसे निकलवा के देते हैं, फिर वो उनसे पैसे लेके दौड़ जाते हैं। बस उसके बाद एटीएम मशीन में भी ऐसे होता है कि औरतों को पता ही नहीं होता कि एटीएम मशीन कैसे चलती है, वो उनके पैसे निकाल लेते हैं और औरतों कहते हैं आपके आए नहीं पैसे। मोबाइल पे एसएमएस आता है, वो भी फेक है, कभी भी आपको जो है ना गवर्नमेंट एसएमएस नहीं करेगी। बेसिकली जो है ना औरतें वो बेनज़ीर के ऑफिस जाएं, तहसील लेवल जो ऑफिस बने वहाँ पर जाकर अपना चेकअप अपना कार्ड चेक करवाएं, वहाँ से ही आपको जो है ना वो ऑथेंटिक खबर मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी आपके पैसे हैं या नहीं और कितने आए हैं। ठीक है, दूसरा जो रिटेलर पैसे निकाल रहे होते हैं HBL कनेक्ट के या दूसरे हमारे सुबह में बैंक अल्फला वाले काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप चेक करवा सकते हैं शॉपकीपर से जाकर भी कितने पैसे आए हुए हैं या कितने नहीं हुए। अगर दूसरा बंदा कोई भी जो आपको ना बता नहीं सकता कि पैसे आए हैं या नहीं आए। ठीक हो गया, अच्छा, कोई औरत जाके अपना फॉर्म वगैरह फिल करवा देती है और डाटा एंटर करवा देती है, उसको पता कैसे चलेगा कि मैं अप्रूव हो गई हूँ या नहीं हुई? हाँ, जो सर्वे करवा के आती हैं औरतें वो तकरीबन एक माह के बाद दोबारा जाकर ऑफिस में चेक करवाएं कि हमारा सर्वे मुकम्मल हो गया है, हमारे पैसे गवर्नमेंट इशू करेगी या नहीं करेगी। वहाँ पे गवर्नमेंट का जो मुलाजिम बैठे होते हैं वो तहसील लेवल पे बैठे होते हैं, वो चेक करेंगे आपका आईडी कार्ड, वो आपको फौरन बता देंगे कि आपके अहल हैं या नहीं है। एक माह के बाद दोबारा अपना चेकअप करवा अपना कार्ड चेक करवाएं, आपको पता चल जाएगा आप अहल हैं या नहीं, अगर आप अहल हुए तो आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे,
सिमाही जो गवर्नमेंट इमदाद करती है वो मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अहलियत का मियार क्या है? अहलियत का मियार ये होता है कि गवर्नमेंट ने ना एक रेशो रखी हुई है गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग होते हैं ना उनको गवर्नमेंट जो है ना वो पैसे लगाती है। जैसे ये गुर्बत लकीर से नीचे वो लोग होते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं होती, मकान नहीं होता, उनके पास मोबाइल नहीं होता, उनके पास जो है ना घर के माली हालात इतने अच्छे नहीं होते। वो अहलियत का तयन गवर्नमेंट ने किया हुआ है, वो 100 स्कोर गवर्नमेंट जनरेट करती है, इसमें से 30 जिसके स्कोर आते हैं ना उसके गवर्नमेंट पैसे लगाती है, उसके पैसे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग होते हैं उनके पैसे लगते हैं। बाज़ लोग कह देते हैं कि मेरी नाज़ा लेता तो लग गए ना पैसे, मेरे तो लगे नहीं। ऐसे नहीं होता, वो गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता कि ये इसकी पड़ोसन है या इसके गांव में रहती है। ये आपकी कार्ड के होता है, आपका कार्ड, आपका खामिल का, अगर आपके खामिल का बनाओ, पासपोर्ट बनाओ, उसका इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल ज़्यादा हो, मोबाइल का अकाउंट लोड ज़्यादा हो, बिजली का बिल ज़्यादा हो, तब भी पैसे नहीं इनके लगाए जाते, नहीं लगते इनके। एक दफ़ा पैसे लग गए हैं तो क्या दरमियान में भी उनके रुक जाने का कोई है अंदेशा? ये बिल्कुल ऐसे होता है, बाकी औरतें पैसे ले रही होती हैं, बीच में आके पैसे उनके बंद हो जाते हैं। उसका मसला ये होता है कि जो औरतें पैसे ले रही होती हैं या तो वो फाइलर हो जाती हैं, ठीक है ना, वो जमीन बेचती हैं, उनके नाम कोई जमीन होती है तो वो जब बिल बेचती हैं तो वो टैक्स से बचने के लिए फाइलर होती हैं, उनके पैसे बंद हो जाते हैं, ठीक है। और उसका खामिंद फाइलर होता है तब भी पैसे बंद हो जाते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड उसके खामिंद के नाम साथ मैच होता है। ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं, जब आप गवर्नमेंट बार बार आपका जो ना वो चेक करती रहती है आपका रिकॉर्ड, आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के जब आपका खामिंद पासपोर्ट बना लेता है ना तो वो उसके भी बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आप आईडी कार्ड जो बनवाने जाते हैं, स्पेशल आईडी कार्ड होता है, अर्जेंट बेसिस पे बनवाते हैं, वो 2500 रुपये उसकी फीस होती है, आप वो भी बनवाएंगे तो गवर्नमेंट पैसे बंद कर देती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ये 2500 रुपए का कार्ड बनवा सकता है, ये अपना खुद कमा सकता है, वो गुर्बत की लकीर से निकल जाता है। अच्छा, इसका कोई टाइम पीरियड है कि जो आज रजिस्टर्ड हुआ वो इतने साल तक ले सकता है, वो लाइफ? हाँ, आप गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, गवर्नमेंट ने आप इनिशिएटिव लिया है कि जो औरतें पैसे ले रही है 3 साल उनको पैसे हो गए, 3 साल तक गवर्नमेंट उनको पैसे प्रोवाइड करेगी, उसके बाद वो उनको सिस्टम से निकाल कर जो डिजर्व करती हैं औरतें उनको सिस्टम में शामिल करेंगे। 3 साल इसलिए पैसे दिए जाते हैं ताकि औरतें अपना कोई कारोबार स्टैंड करें, अपने खानदान को कारोबार करवाएं ताकि आपका रोजगार चल रहा है चले। और सेकेंडली जो बाद में जो लाइन में पीछे औरतें लगी हुई हैं वो उनको शामिल किया जाए, जो 3 साल हो गए उनको निकाल के उनको शामिल किया जाए। जिनके 3 साल पूरे हो गए क्या वो रिन्यू भी हो सकती है? नहीं, रिन्यू अगर गुर्बत की लकीर से अभी गवर्नमेंट ये भी इनिशिएटिव ले रही है 2024-2025 में कि जिनको 3 साल हो गए उनको आगे रिन्यू ना किया जाए, ताकि वो 3 साल में अपना कोई कारोबार, ये बेसिकली गवर्नमेंट ये हेल्प करती है औरतों को ताकि वो अपना कोई कारोबार कर सके, इसलिए हेल्प करती है, ये नहीं कि आपको परमानेंटली आपको ताहयात ये पैसे मिलते रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। ताहिर भाई, और इस हवाले से कोई बात ऐसी हो जो रह गई और आप बताना चाह रहे हैं? मैं बस यही एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो औरतें जो हमारी औरतें अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो किसी अजनबी शख्स पर भरोसा मत करें। जो लोग आते हैं आपको गांव में आकर लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, आपको इतने पैसे लग जाएंगे, इतने पैसे लग जाते हैं, वो आपका मिसयूज़ करते हैं, आपके पैसे जो वो लगवा नहीं सकते। गवर्नमेंट के ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ ऑफिस में जाएं, शॉपकीपर जो पैसे दे रहा है उसके पास जाएँ, थर्ड बंदे के पास ना जाएँ, इससे जो है ना वो आपके साथ फ्रॉड एक्टिविटीज हो सकती हैं। अपने ज़हन में रखिए, कोई बंदा जो पैसे देता है गवर्नमेंट ने, आपके घर जाकर कोई भी नहीं देता। बिल्कुल, आप घर से बाहर निकलेंगे, आएंगे, ऑफिस आए, वहाँ पे सर्वे कराएं, दुकानदार के पास जाएं जो पैसे दे रहा है, जो ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को रिकमेंड करती है जो ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। किसी अजनबी पे भरोसा ना करें, बस ये हमारा मैसेज है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपके इसलिए लाजिम है कि बहुत सारी सादा लोग औरतें फ्रॉड का शिकार हो जाती हैं, या बहुत सारी ऐसी डिजर्विंग खवातीन हैं जो डिजर्व करती हैं लेकिन उन्हें इन मामलात का पता नहीं है, तो उन तक किसी न किसी तरह से किसी के थ्रू ये मैसेज पहुंच जाए और वो अपना हक जो है वो हासिल कर सके और फ्रॉड एक्टिविटीज से बच सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।